नमस्कार नमस्कार जी, आई आई आ तो गए, और कितना है आप आया है कर रहे हो? यहाँ पर मुझे दर्द होता है, हर 10 मिनट में यहाँ लोचा होता है। वैसे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी काम पर गए। काम पर गए? हाँ। कार में नहीं? क्यों, कार बेच दिया क्या? बोला ना यहाँ दर्द है। हाँ समझ गया, अब चलिए। कलेक्टर का फोन आया था इसलिए पिताजी को जाना पड़ा। वैसे पिताजी बताकर गए थे कि आप लोग 6 बजे तक आ जाएंगे। 4 से 6 बजे राहु काल है, और राहु काल में मेरा बीपी बढ़ जाता है और मैं चक्कर खाकर गिर जाता हूँ। उसी डर से तो मैं जल्दी आ गया। आप अंदर चलिए, आइए आइए आइए, आप लोग बैठिए। हेलो, हाँ डैडी, सारे मेहमान आ चुके हैं डैडी। ओके डैडी, हाँ डैडी जल्दी ही आ जाएंगे, तब तक आप बैठ के बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ। शांति को तैयार करके ले आओ। सूरी कहाँ है? सूरी शांति 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 नमस्कार। नमस्कार सब लोग ठीक है ना? जी दुआ है। ये सब आपका ही है ना? हाँ। थोड़ा ले लूं क्या? हाँ हमारा ही है। सब कुछ हो गया, अब चलो उठो। देखा ना मेरा और शांति का क्या रिश्ता है? इसके बाद कौन मर्द है जो शांति से शादी करेगा? मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरी माँ मर गई है, मेरी माँ मर गई है, तो एक अनजान मुझे अपना बेटा कहकर क्यों चीख पड़ी? अगर वो मेरी माँ है तो ये भरत सिंह राठौर कौन है? बोलो 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 बोलो। Go!
कलेक्टर, नरसिंहपुर में पुलिस जो लाठी चार्ज कर रही है उसे फौरन रोकिए। राठौर, तुमने अगर उसे नहीं रोका तो तेरा सर और जिसे तूने भेजा है उसका सर जमीन में गाड़ दूंगा। भरत सिंह राठौर जी, आप हमें डरा रहे हैं। मैं शैतानों को मारता हूँ, इंसानों को पूछता हूँ, तू कौन है सोच ले। वहाँ जो कुछ भी हुआ तुम्हें मालूम नहीं? एक गांव वाला बैंक से कर्जा मांगने के लिए गया, बैंक के अधिकारियों ने उससे जमानत मांगी और जमानत देने के बजाय उस आदमी ने बैंक के अधिकारियों को मारने की धमकी दी और बैंक लूटने की बात की। उसी रात उसने बैंक में डाका डाला। जब पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे तब गांव वालों ने पुलिस वालों पर चाकू और तलवारों से हमला किया जिसमें 5 पुलिस वाले मर गए, इसलिए मैंने ये ऑर्डर दिया। अहंकारी न्याय के बारे में नहीं सोचता है, अधिकार सच्चाई के बारे में नहीं सोचता है। जो आपने कहा अगर वो सच है तो गलती करने वाले का सर आपके सामने होगा, और अगर वो गलत हुआ तो बर्बाद कर दिया। क्यों किया, क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? हमें कुछ नहीं पता वो कौन है, किसने किया हमें नहीं पता। कहीं भी कुछ होता था पुलिस वाले हम पे शक करते हैं और हमें मारते हैं। हम तो कभी भी घास के लिए भी झगड़ा नहीं करते, यहाँ जरूर कोई बाहर से आया। हम चिल्लाते रहे हमें कुछ नहीं मालूम, पर वो हमें कुत्ते की तरह मारते रहे, कुत्ते की तरह मारते रहे, हमारी एक नहीं सुनी। पास के गाँव वालों ने सारे इलाके को जंगल बना दिया, कहा था बैंक लोन देगा, हम बैंक के पास लोन लेने गए, बैंक वालों ने हमें जमानत न होने के कारण हमें लोन नहीं दिया, हम वापस आ गए। उसी रात किसी ने बैंक में डाका डाला और पुलिस ने समझा कि वो डाका हमने डाला है। उन्होंने हमें घर में घुसकर मारा, हमारी बहू बेटियों के कपड़े फाड़ दिए। बिना इज्जत के इंसान की जिंदगी व्यर्थ है, यही कहा था ना भैया आपने, इसलिए मार डाला उन्हें। हमने कभी नहीं सोचा था तलवार उठाएंगे, लेकिन उन्होंने हमें तलवार उठाने पर मजबूर कर दिया। बस बस, यहाँ रहकर आप लोगों ने बहुत जुल्म सह लिए, आप नहीं सहोगे। आप सब लोग मेरे साथ चलिए, आपको रहने के लिए घर और खेती करने के लिए जमीन मैं दूंगा, आप लोगों को नया जीवन मैं दूंगा, चलिए। आराम से ऐसे अंदर जाके शर्ट पहनो। हाँ लक्ष्मी दीदी, लक्ष्मी क्या दीदी हुआ? बाहर हमें सब लोग अनाधिकारी बोल बोल कर रुला रहे हैं। हम अगर डर कर रहेंगे तो लोग हमें ऐसे ही रुलाएंगे। अगर तुम्हें किसी ने अनाथ कहा तो उससे कह देना कि हमारे माता पिता भगवान सब कुछ भरत सिंह राठौड़ है, समझ गए ना? अब जाओ। भैया, पिताजी, भैया आ गए। आइए। देखा मुनीम जी, तुम्हारी बेटी ने मुझे भगवान बना दिया। मेरी बेटी जो कह रही है वो सच्ची तो है। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ कल्याणी,
ये कल्याणी है। नमस्कार। ये किसी की बातों में आकर घर से भाग आई थी। वो जलील से धोखा देकर और पैसे लेकर तथा इसके गहने लेकर इसको छोड़कर भाग गया। ये बेचारी आत्महत्या कर रही थी। मैं इसे यहां ले आया। जब मैंने इससे कहा कि तुझे धोखा देने वाला कोई भी हो उसे ढूंढकर मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा, तो कहने लगी कि जो इंसान मुझसे ज्यादा मेरे गहने और पैसों से प्यार करता है मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है। अरे रे रे रे, आपके लिए ही क्या, ये सब कुछ आपका ही तो है। ये लो, चलो जाओ जाओ जाओ। ये सब कौन है यही सोच रही हूँ ना बहन, ये भी तुम्हारे जैसे ही है। कुछ दिन पहले इस गांव में पुलिस वालों ने हमला किया था और गांव के बच्चों को अनाथ बना दिया था। अब इन सब के माँ बाप सब कुछ भाई साहब ही। मुनीम जी देखो, इनके साथ तुम खुश और तुम्हारे साथ ये सब खुश रहेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। इन बच्चों के साथ तुम खुश रहोगी ना। ये तैयारियां किस खुशी में? कार्तिक दीपावली भैया। तेरे होते हुए इतने दिए जलाने की जरूरत है क्या? इतने दिए क्यों जलाते हैं तुझे पता है? कार्तिक के बाद अगहन आता है। अगहन